365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। नमस्कार, खबर 365 न्यूज आज पहुंची है गांडीव ऑफिस। आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो हमेशा लोगों को रूबरू कराते रहते हैं कि आज क्या है स्थिति आपके रांची की, क्या कितने हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज, सरकार कैसी दे रही है सुविधा, कितने गरीबों को नहीं मिला है भोजन, कौन भरपेट सो रहे हैं, किन का पेट है भरा हुआ। यहाँ हमारे साथ खबर 365 न्यूज गांडीव अखबार और खबर मंदिर के एडिटर इन चीफ अमरकांत सर है और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जो जनता इतने दिन से अखबार के माध्यम से आपको जानते आई है कि ये है गांडीव अखबार, ये है खबर मंत्र अखबार और इसमें हमें मिलेगी सच्ची खबरें और हर पल का अपडेट्स मिलेगा जिसको लोग पढ़ करके घर बैठे सुकून से बैठ सकते कि ये है हमारे अगल बगल और आसपास की स्थिति। तो आज ये कोरोना की महामारी की जंग में हर एक लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा आपका योगदान है जो हर एक पल अपडेट करा रहे हैं लोगों को, मगर ये जो संक्रमण है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल कोरोना का जो विश्वव्यापी असर रहा है, अगर हम अपने देश अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम बहुत हद तक सुरक्षित हैं। विश्व के मुकाबले, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत और अपने झारखंड में स्थिति बहुत हद तक कंट्रोल में है। जो अभी तक की जो सूचनाएं हैं, जो अभी तक हम देख रहे हैं, जो डाटा हमारे सामने है, ये बता रहा है कि कोरोना का कोई बहुत बड़ा असर हमारे प्रदेश पे, हमारे राज्य पे, हमारे जिले पे नहीं पड़ा है। जितनी सूचनाएं अपने पास अभी तक आई है, जो भी जांच रिपोर्ट आए हैं, वो ये बताते हैं कि एक खास स्पॉट है जिसको हम हिंदपीढ़ी के नाम से जान रहे हैं, वहां पे संक्रमण बहुत हद तक फैला था। लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ा सुकून का बात यह है कि जितने भी मरीज पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से बहुत हद तक अब निगेटिव रिपोर्ट आती जा रही है। जो मरीज पॉजिटिव थे, जो रिम्स में और राज्य के अन्य अस्पतालों में भर्ती थे, उनमें भी कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए गए जो बहुत चिंताजनक हो। सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। जो मरीज हॉस्पिटलों में एडमिट है पॉजिटिव के नाम पे, उनको एकदम सामान्य मरीज की तरह देखा जा रहा है। जो भी छनकर की खबर अंदर से आ रही है आइसोलेशन सेंटर से, वो ये सुकून देती है कि जो भी पॉजिटिव केस हो रहे हैं वो पॉजिटिव तो जरूर है लेकिन कोई खास परेशानी में वो नहीं है। और जब उनका मेडिकेशन हो रहा है, जो अपने यहाँ सिस्टम अवेलेबल है, तो उससे ये निकल करके आ रहा है कि वो हफ्ता दिन 15 दिन के अंदर वो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो पॉजिटिव हमारे पास केस मिले हैं वो भी हमको परेशान नहीं कर रहे हैं, हमारे मरीज परेशान नहीं है। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र गुजार हैं हम लोग कि हमारे पर कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सर, कुछ ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने मरीज इससे ठीक होकर घर की वापसी हो चुकी है? जो डाटा अपने सामने है पूरे राज्य से, जो अपने पास सूचनाएं चल के आ रही है, जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग हमें सूचनाएं मुहैया करा रहा है, इसमें ये देख रहे हैं कि बोकारो में 9 मरीज थे जो पॉजिटिव थे, वो 9 के 9 ठीक हो चुके हैं। उनको बकायदे ताली बजाकर उनके घरों तक जिला प्रशासन ने रवाना करवा दिया है। धनबाद में जो 2 पॉजिटिव मरीज थे वो भी पॉजिटिव से निगेटिव होकर के स्वस्थ होकर के अपने घरों को लौट गए हैं। दुमका का भी एक मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हो चुका है। सबसे खुशी की बात यह है कि झारखंड का जो पहला केस था, मलेशिया की जो नागरिक यहाँ पे पॉजिटिव मिली थी, वो थोड़ा लंबा समय जरूर लगा उसके इलाज में, बट वो भी पॉजिटिव से निगेटिव होकर के और खेलगांव वाले क्वारंटाइन सेंटर में जा चुकी है। रांची में कई केस ऐसे हैं जो पॉजिटिव थे। एक हिंदपीढ़ी की महिला जिनका डेथ हो गया, उनके पति का भी डेथ हो गया था, बट उनके घर के बाकी सदस्य जो पॉजिटिव थे वो सारे निगेटिव हो चुके हैं। ये बहुत सुकून वाली बात है कि जो पेशेंट हमारे पॉजिटिव पाए भी जा रहे हैं वो टाइमिंग इलाज के बाद रिम्स में या पीएमसीएच में इलाज के बाद वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहे हैं। सर, एक और सवाल कि आज 20 तारीख के बाद कुछ राहत मिलने वाली थी लोगों को, मगर सड़कों पर आवागमन बढ़ गई है,
लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मार्केटिंग करते भी दिख रहे हैं। जहां एक गाड़ियां नहीं दिखती थी वहां चंद गाड़ियां तो जरूर चल रही है। तो क्या लगता है, क्या लगता है कि लोग अपने आप को इतना ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करने से इनकार कर रहे हैं? संजय जी, ऐसा नहीं है। एक महीने से हम लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, बल्कि एक महीना आज 3 दिन हो चुका है जब अपना झारखंड, अपनी रांची लॉकडाउन में है। ये 1 महीने 32 दिन की अवधि कोई छोटी अवधि नहीं होती है। जो लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, निश्चित तौर पे उनकी बहुत सारी परेशानियां भी है। प्रशासन को भी, सरकार को भी ये समझनी होगी कि उन परेशानियों का निजात वो घर में रह करके नहीं कर सकते हैं, तो उनको टाइमिंग बाहर निकलना होगा। जिस तरह से देश में अब छूट मिल रही है लॉकडाउन में, केंद्र सरकार ने तमाम दुकानों को जिस तरह से अनुमति दी है खोलने के लिए, तो यहाँ पे भी लोग गलती से उन आदेशों को सही मान करके कि केंद्र का आदेश राज्य पे भी लागू हो गया है, और कल भी कई दुकानें खुली थी, आज भी कुछ दुकानें खुली हैं, और लोग उनसे सामान लेने के लिए या अपना काम करने करवाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आम आदमी को भी यह समझना चाहिए कि अभी इस लॉकडाउन की अवधि में जितना सोशल डिस्टेंसिंग है, जितना अपने आप को आप भीड़ से अलग रख सकते हैं, अपने आप को घरों में रख सकते हैं, वो आपके लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ऐसे में सड़क पे जो भीड़ है वो चिंता थोड़ी जताती तो जरूर है, लेकिन उन मजबूरियों को भी हमें समझना होगा और थोड़ी शिथिलता के साथ हमें लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर भी आना होगा, क्योंकि अपने देश में जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि जो स्थिति पैदा होगी वो स्थिति नहीं पैदा हुई। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं हम कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मरीज मिले, बहुत पॉजिटिव मरीज मिले और वो मरीज और मरने वालों की संख्या बहुत बढ़े, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस लॉकडाउन के फेज से धीरे धीरे तो जरूर हम बाहर आएंगे और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। अभी हालांकि हम पूरी तरह से बंद हैं, पड़े हैं, तो ये इकोनॉमी चेंज होगा, ये हमें भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से लॉकडाउन लगाया था वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है, लेकिन इससे धीरे धीरे फेज आउट बाहर होने की भी जरूरत है। दर्शकों, अब मैं आखिरी सवाल और आपके लिए करना चाह रहा हूं, इस लॉकडाउन में क्या करें क्या ना करें? लॉकडाउन में जैसा कि केंद्र और राज्य सरकारों का दिशा निर्देश है, आप अधिक से अधिक अपने घरों में रहें, जब तक जरूरत न हो आप घर से बाहर न निकलें। अगर घर में आपकी आवश्यकता की चीजें पूरी है तो निश्चित तौर पर बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सोशल डिस्टेंसिंग है उतना फॉलो करें आप, उतना दूरी बना के रखें, बाहर बिना मास्क के नहीं निकलें, और सैनिटाइजर या हैंड वॉश या साबुन से लगातार अपने हाथों को धोएं, जिससे कि कोरोना का अगर कोई असर होने वाला हो तो उससे आप प्रभावित ना। तो जैसा आपने सुना दर्शकों कि ये सारी बातें आप तक मैं इसलिए पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप हो जागरूक और इस संक्रमण की लड़ाई में जीत हमारी हो। तो इसी तरह और भी शख्सियतों से मिलाएंगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज। कैमरामैन ऋषभ गौतम के साथ मैं संजय, नमस्कार।